नमस्ते, मैं हूं अनिरुद्ध भालिया राव और आपका ILMS एकेडमी में स्वागत है। इंडियाज प्रीमियर लीगल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन पोर्टल गेट सर्टिफाइड टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। तो आज का वीडियो पॉश एक्ट 2013 के ऊपर है। ये कानून है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। इसे पॉश एक्ट 2013 के नाम से भी जाना जाता है। ये कानून क्या कहता है, आइए समझते हैं। किसी भी महिला के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, चाहे वो ऑफिस में हो, ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हो, वहाँ हुआ हो, ये सब कानून के दायरे में आता है। वैसे कोरोना के दौर में वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, और ऐसे में अगर साइबर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो वो भी इस कानून के दायरे में आता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट चाहे फिजिकल हो, वर्बल हो, जिसमें भद्दी टिप्पणी, सेक्सुअल फेवर्स की मांग हो सकती है जिसके बदले में प्रेफरेंस देना हो, या भेदभाव की धमकी देना हो, ये सब इस दायरे में आते हैं। आपके ऑफिस में काम करने वाले महिलाएं ही इस एक्ट की प्रावधान में आएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें वो महिलाएं भी शामिल है जो सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में काम करती हैं, फैक्ट्री या स्टेडियम या आर्म फोर्सेस में काम करती हैं। ये सभी महिलाएं या जो महिलाएं जो आपके घर में काम करने आती हैं, वो महिलाएं भी इस एक्ट में कवर होती हैं। अब ऐसी किसी भी महिला के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आता है तो क्या प्रक्रिया होगी? कोई भी ऑफिस या संस्था जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का गठन अनिवार्य है। ऐसे में जहां 10 से कम लोग काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए जिला स्तर पर एक लोकल कमेटी का गठन किया गया है। यहाँ ऐसी महिलाएं आकर शिकायत कर सकती हैं। महिलाएं अपनी शिकायत घटना होने के 3 महीने के अंदर कर सकती हैं। महिला चाहती है कि उसकी शिकायत पर कोई एक्शन ना लिया जाए तो इस कानून में समझौते का भी प्रावधान है, लेकिन ये समझौता पैसों के लेन देन पर आधारित नहीं हो सकता। अगर महिला शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की मांग करती है तो इंटरनल कमेटी को अपनी जांच शुरू करके रिपोर्ट बनानी होगी, और जांच में अपराध साबित हो जाता है तो फिर इंटरनल कमेटी को कंप्लेंट और रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करनी होगी। लेकिन अगर महिला की शिकायत झूठी या गलत साबित होती है तो ऐसे में महिला पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के अंतर्गत आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल दे, इंटरनल कमेटी का गठन करे और सदस्य के बारे में जानकारी अपने स्टाफ को दे, और साथ में कानून के प्रति जागरूकता और सेंसिटाइजेशन के लिए वर्कशॉप भी कंडक्ट करे। आपको बताते चले कि 2013 से पहले ऐसी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनका पालन सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया है। अब आते हैं इस वीडियो के मुख्य भाग पर, जो है पॉश एक्ट 2013 का इम्पोर्टेंस। पॉश एक्ट एक सेफर वर्क प्लेस इंश्योर करता है, एम्प्लॉयज का मोराल बूस्ट होता है और बदले में वो ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा कमिटेड रहेंगे। ये एक्ट एम्प्लॉयज को एम्पावर करता है जिससे वो अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ग्रीवेंसेस सामने आकर बता पाए। प्रोसीडिंग्स की सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। पॉश एक सिक्योर एंड टेंशन फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। गिल्टी एम्प्लॉयज के खिलाफ क्विक एक्शन ली जाती है। पॉश एक्ट से लीगल कंप्लायंस इंश्योर करता है कि कोई लीगल डिस्प्यूट्स या पेनल्टीज ना लगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल प्रोटेक्ट होती है, एम्प्लॉय रिटेंशन में सफलता प्राप्त होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाओं में कमी आती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्या आपको ह्यूमन रिसोर्सेज में करियर बनाना है? किसी बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या स्टार्टअप में काम करना चाहते हो, या एक लेबर लॉ एक्टिविस्ट बनना चाहते हो, तो आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस का सर्टिफिकेट कोर्स जरूर करना चाहिए। ये कोर्स आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर कौन से एक्ट्स फॉल करते हैं। इसके साथ ही आपको पॉडकास्ट मिलेंगे जहां पर आप रियल लाइफ सिनेरियोस और एग्जांपल्स के साथ केस स्टडीज पढ़ सकते हैं। 1 month ड्यूरेशन, सिंगल एग्जामिनेशन, नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इम्प्रूव्स एम्प्लॉयबिलिटी, प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, नो फिक्स टाइमिंग, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, इनोवेटिव कॉन्टेंट और लाइफ टाइम एक्सेस। इसके साथ ही आपको पॉश पॉलिसी के ड्राफ्ट टेम्पलेट्स मिलेंगे और पॉश की लाइव ट्रेनिंग के वेबिनार भी होंगे। तो आपको ILMS एकेडमी का ये सर्टिफिकेट कोर्स जरूर करना चाहिए, और ये आपके लिए अवेलेबल है मात्र 4,500 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो जल्द से जल्द ILMS एकेडमी की वेबसाइट को विजिट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।